सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T3 अल्ट्रा 5G डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर बैटरी सेवर सेटिंग को इनेबल कैसे करेंगे। गाइस, अगर आपको भी फोन के अंदर बैटरी सेवर को टर्न ऑन करना है तो नो डाउट आप इजीली कर सकते हैं। वेल गाइस, फोन के अंदर बैटरी सेवर को टर्न ऑन करने के हमें टू वे मिलते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल सेंटर मिलता है अगर आप इसको डाउन करेंगे तो, इसके अंदर आपको एक शॉर्टकट मिल जाता है कहीं ना कहीं देखने को बैटरी सेवर करके। अभी हम इसमें ट्राई करते हैं कि मेरे केस में कहां पर ये है। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से अगर नहीं आता है कोई शॉर्टकट, जैसे कि बैटरी सेवर हम ढूंढ रहे हैं ऐसे नहीं मिल रहा, तो अभी करंट टाइम में मेरे केस में यहाँ पर है, देख सकते हो ये है। अगर इनेबल करेंगे तो यहीं से इनेबल हो जाएगा, डिसेबल करेंगे डिसेबल हो जाएगा। किसी पर्सन के फोन में अगर ये नहीं शो कर रहा है, पेंसिल साइड पर जाना, इसको प्रेस करना, जो नीचे अगर शो कर रहा है इसको लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करके रख लेना जहाँ पर आपको रखना है, तो ये आ जाएगा ऊपर, इसके बाद आप इसको इनेबल कर सकते हैं। बट गाइस, ये तो है शॉर्टकट, बट अगर हमें मैन्युअली फॉलो करना होगा तो उसके अंदर कुछ एडवांस चीजें मिल जाती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स को प्रेस करना है और बैटरी वाले ऑप्शन पे आना है। एज अ बाय डिफॉल्ट सभी फोनों के अंदर एक बैटरी का ऑप्शन होता है अलग से, जिसमें आप मैनेज आउट कर सकते हो। इसको बैटरी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड यहाँ बैटरी सेवर मिलेगा, जस्ट यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं। और गाइस, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप अपने फोन के अंदर बैटरी सेवर को टर्न ऑन करते हैं तो डार्क मोड सेटिंग्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि लाइट थीम पे पावर कंजप्शन ज्यादा होती है और डार्क थीम पे थोड़ा सा कम होता है, तो ये चीजें कर सकते हो। हालांकि अगर इस बैटरी सेवर पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो इसमें और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें ये बैटरी सेवर ऑटोमेटिक जो आ जाता है इसको चूज आउट कर सकते हैं। इवन ऑटो एग्जिट बैटरी सेवर है, 90% चार्ज अप होता है तो ऑटोमेटिक जो एग्जिट हो जाता है, रिड्यूस स्क्रीन टाइम आउट है, ये सारी चीजें आप यहाँ से सबको ऑन कर सकते हैं अपनी बैटरी पावर को बचाने के लिए। हालांकि जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, आई थिंक मुझे लगता है कि वो आप जो है यूज जब करते हैं अपने फोन को, तो डिपेंड ये करता है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हो। इंटरनेट के साथ अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 6 आवर समथिंग कुछ बैटरी चलती है, वो भी सारे फोन नहीं चलते। एक्सपेंसिव फोनों को भी हमने देखा हुआ है वो 5 आवर्स में 1 किलो हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका फोन अगर उतना चल रहा है इंटरनेट पे कंटिन्यूसली यूज करने से तो ठीक है, उसमें सेव करने की जरूरत नहीं है। और ये जो सेटिंग्स हमने बताया ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप जो है कोई भी चीज यूज कर रहे हो आपकी बैटरी यूज ज्यादा नहीं चल रही है। देखो कभी कभी होता है हम ट्रेवल वगैरह करते हैं तो उसमें जरूरी पड़ जाता है कि कहीं पोर्ट्स वगैरह नहीं है, फोन लाइक डाई होने वाला है, स्विच ऑफ होने वाला है, तो इमरजेंसी में कॉल वगैरह करने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसका आप यूज करके थोड़े बहुत जो है पावर बचा सकते हो, ऐसा नहीं 10-20 घंटे 10 दिन 20 दिन चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी अगर इसका यूज करके आपको नॉर्मली टाइम स्पेंड करना है, बैटरी पावर को बचाना है, तो आप इजीली बचा सकते हैं।